पश्चिम बंगाल में 50 से कम सीटें मिलने वाली है। ये हमारा, मैं खुद पूरा बंगाल घुमा हूँ। हिंदी भाषी मुस्लिम है वो ओबीसी साहब को चाहेंगे, लेकिन क्या बंगाली मुस्लिम ओबीसी साहब को एक्सेप्ट करेंगे? जैसे कांसीराम बोले थे पहले हारो फिर हराओ और जीतो, तो अभी आपका कौन सा स्टेज है, हारने वाला कि हराने वाला कि जीतने वाला? अभी हमारा पश्चिम बंगाल के बामसेफ के कार्यालय में है बहुजन मुक्ति पार्टी के जो नेशनल ऑब्जर्वर हैं भांजी भाई राठौर जी आए हुए हैं और चुनाव को लेकर रणनीति बना रहे हैं। तो यहाँ बहुजन मुक्ति पार्टी जो है कितनी सीटों पे बंगाल में चुनाव लड़ी? पश्चिम बंगाल में बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से हम लोगों का प्लान है 100 विधानसभा लड़ाने का। 100 सीटों पे कहाँ कहाँ सीटों पे? एससी सीटों पे चुनाव? हम लोग सिर्फ एससी के लिए लड़ेंगे ऐसा नहीं, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी सभी जगह पे हम लोग कैंडिडेट खड़े करेंगे 100 सीटों पे। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी को रोकने की क्या आवाज़ चल रही है? अभी लड़ाई इस बात की है कि बीजेपी को रोका जाए, इसलिए कई पॉलिटिकल पार्टियां ममता बनर्जी को समर्थन कर रहे हैं, टीएमसी को। कोई भी पार्टी अगर बनाते हैं तो चुनाव लड़ने के लिए बना। हाँ, लेकिन बनाते हैं। तेजस्वी यादव भी लड़ना चाह रहे थे, फिर उन्होंने ममता बनर्जी को समर्थन दे दिया। क्यों? कहना है स्पष्ट कि एकदम भाजपा को जो हराएगा हम उसके साथ फिलहाल है, अभी लड़ाई भाजपा को हराने की है। अगर हम लोग बिखर के लड़ेंगे अलग अलग, इससे बीजेपी को फायदा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में 50 से कम सीटें मिलने वाली है। ये हमारा, मैं खुद पूरा बंगाल घुमा हूँ। हाँ, इसलिए 50 से कम सीटें, 50 भी नहीं मिलने वाली है। हाँ, बंगाल में बीजेपी को 50 से भी कम मिलेगी सीटें। अगर 51 भी सीट मिलती है तो आप मेरे को याद करने के लिए, आपकी बात गलत है, क्योंकि मैं अलीपुर द्वार से लेके पूरा बंगाल का मैंने 2 महीने में पूरा दौरा किया। अच्छा। और जो जनता की जो आवाज़ है वो हमने सुनी है और देखा है पूरा। लोग ये हवा बनाते हैं प्रेस मीडिया के भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाएगी, ये एकदम गलत है। क्योंकि मीडिया में भी ये नहीं आ रहा है कि बीजेपी की सरकार बने, मीडिया में आ रहा है कि सरकार ममता बनर्जी की बनेगी, बीजेपी की 100 से अधिक सीटें आएंगी सर्वे वगैरह में। ममता बनर्जी की कितनी सीटें आएगी वो तो उसको मालूम है। हाँ। लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव के संदर्भ में, हाँ, जो हम लोगों ने, मैं दिसंबर से यहाँ आया हूँ, आने के बाद मैंने मेरा ऑब्जर्वेशन किया कि हम लोग यहाँ जो मूल निवासी, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटी, तो शेड्यूल कास्ट की 22% जनसंख्या है, शेड्यूल ट्राइब की 6% जनसंख्या है, ये 28% हो जाता है, और मुस्लिम की जनसंख्या है 27%। तो एससी एसटी और मुस्लिम, इसकी जनसंख्या 55% हो जाती है। अगर ये एससी एसटी और मुस्लिम अगर आपस में मिलके अगर वो चुनाव लड़ते हैं और ये गठबंधन होता तो शायद थर्ड फ्रंट के माध्यम से ये आगे आ सकता है। नंबर एक, ये एससी एसटी की 84 सीटें रिजर्व, और मुस्लिम की जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के हिसाब से अगर मुस्लिम लोग एज ए इंडिपेंडेंट लड़ना चाहे, मैंने तो उन लोगों को बहुत से लीडर आते उसको बताया था, तो मुस्लिम लोग 50 सीटें इंडिपेंडेंट अपनी ताकत पे जीत सकते हैं। तो 84 + 50 = 134 हो जाती है सीटें। वैसे तो इतने सांसद दलित हैं कि अगर बीजेपी को छोड़ दें तो केंद्र की सरकार गिर जाएगी, इतने यूनिटी और इतना जागरूक दलित हैं कहाँ? हम लोग सोचते हैं तो बहुत बढ़िया बढ़िया, लेकिन ज़मीन पर जब जाते हैं तो हमारे ही लोग जागरूक नहीं हैं। लोग जागृत नहीं हैं, लोग जागृत नहीं है, ये लोगों का कहना है लेकिन हमारा कहना नहीं है। क्योंकि हम अगर लोगों के समक्ष जाते और लोगों को समझाते, जैसे कि मैंने इधर बंगाल के अंदर शेड्यूल कास्ट के 5 मेजर जातियाँ है, राजवंशी है, नामोशूद्रा है, पोंड्रो है, बावरी है और बागदी है, ये 5 मेजर जातियाँ और सीटें शेड्यूल कास्ट की होती है 68। तो मैंने इन जाति के समूह का जो कार्यक्रम लगाया उसका बड़ा, और इन जातियों का कार्यक्रम में मैंने इन लोगों को ये चीज़ समझाई कि आपकी 68 सीटें हैं, अगर आप यूनाइट होके 12-12 सीटें अगर आप लोग ले लेते हो 60 सीटें हो जाती हैं, बाकी की जो 8 सीटें हैं तो शेड्यूल कास्ट की जो छोटी छोटी जाति है उसमें डिवाइड कर दीजिए। ये जो फॉर्मूला मैं यहाँ सबको समझाया, इन जातियों को समझाया,
उनको समझ में आ गया, लेकिन उन लोगों ने बोला कि अभी हमारे पास समय कम है। मैं बोला बोला बात भी सही है, ये समय कम है, लेकिन हमारे लिए अभी ये समय 5 साल का है। हाँ। अभी जो हमारा प्लान और जो रणनीति है हमारे 5 साल का, हमारा 2026 का प्लान है। हमारा 2026 का प्लान के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और यही एससी एसटी के 84 सीटों के बाद फिर हम लोगों ने मुस्लिम के लीडरों को समझाया कि आप लोग सभी पार्टियां छोड़ दो, अपने आप को मजबूत करो। अगर मुस्लिम अपने आप को मजबूत करते हैं तो मुस्लिम 50 सीटें जीत जाते हैं, लेकिन मुस्लिम लोगों का वो तो उससे अब्बास सिद्दीकी एक नेता आए हैं, अब्बास सिद्दीकी एज ए धार्मिक नेता है। लोग धार्मिकता के आधार पे लोग जुड़ जाते हैं। हाँ। क्या वो धार्मिकता के आधार पे जुड़े हुए लोग राजनीतिक तौर पे क्या वोट में परिवर्तित होगा? बीजेपी भी तो यही करती है। बीजेपी में और इसमें अंतर है, वहाँ महाराज जी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कहाँ बना मुख्यमंत्री? महाराज बने, योगी आदित्यनाथ महाराज। क्या योगी आदित्यनाथ का प्रचार करके उसने के योगी आदित्यनाथ को घोषित किया था? नहीं, बाद में बने। मौर्य का नाम घोषित करके मौर्य के नाम से वोट लिया। जैसे गुजरात में, गुजरात का जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ तो गुजरात में नितिन पटेल के नाम पे पटेलों का वोट के आधार पे उसने जीत हासिल की, लेकिन सीएम तो बनिया को बनाया, तो लोग चिल्लाते हैं। आप लड़ रहे हैं 100 सीटों पर, तो तैयारी आपकी है 5 साल बाद की? अभी बस जैसे कांसीराम बोले थे, पहले हारो फिर हराओ और जीतो, तो अभी आपका कौन सा स्टेज है? हारने वाला कि हराने वाला कि जीतने वाला? अभी हमारा, हमने हमारे कार्यकर्ता की कल मीटिंग थी, कार्यकर्ता को बता दिया ना हमको हारना है, हमको हराना है। अच्छा, अभी सेकंड स्टेज में हम हराने वाले हैं। किसको हराने वाले? वो तो हमारा दोधारी तलवार है, इधर भी काटेगी उधर भी काटेगी। हमारी दोधारी तलवार है, इधर भी काटेगी उधर। यानी टीएमसी को भी काटना है, बीजेपी को भी काटना है? ये मैं कैसे बोल सकता हूँ, दोधारी तलवार है, दोनों साइड से कटेंगे। हाँ। क्योंकि पार्टी कोई भी पार्टी होती है वो वोट लेने के लिए खड़ी होती है। हाँ। तो इसमें किसका वोट कटेगा, किसका वोट बटेगा? ओवैसी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं वेस्ट बंगाल में, और अब्बास सिद्दीकी के साथ वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे, अब्बास सिद्दीकी उनको धोखा दे दिए, जबकि अब्बास सिद्दीकी के बारे में बोले थे कि चेहरा हमारे यही रहेंगे। ओवैसी का चुनाव लड़ना कितना सही कितना गलत, ये क्या सोचते हैं? क्योंकि बामसेफ वाले जो भवन मेश्राम साहब हैं, अब आज भी बोले। देखिए, ओवैसी साहब यहाँ चुनाव लड़ना चाहते कि नहीं लड़ना चाहते तो वो तो उसका इश्यू है, इसका मैटर। आप मुस्लिम की बात किए तब हम बोले, यहाँ मुस्लिम की बात, यहाँ यहाँ बंगाल में एक हिंदी भाषी मुस्लिम है। हाँ। और एक बंगाली मुस्लिम है। हाँ। दो टाइप के मुस्लिम है। तो जो हिंदी भाषी मुस्लिम है वो ओवैसी साहब को चाहेंगे, लेकिन क्या बंगाली मुस्लिम ओवैसी साहब को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे वो तो वो डिसाइड करना है। यूपी बिहार वाले जो मुस्लिम यहाँ आके बसे हैं, लेकिन उसकी पॉपुलेशन कितनी? इतनी नहीं है, मुश्किल से 2% होगा। हाँ, यानी अब्बास सिद्दीकी के साथ वो जा सकते हैं? अब्बास सिद्दीकी के बंगाली मुस्लिम, देखिए अब्बास सिद्दीकी एज ए पीरजादा है। हाँ। और पीरजादा मतलब धार्मिक तौर पे उसके मुरीद है। हाँ। तो मुरीद लोग उसको सुनने के लिए जा सकते, लेकिन क्या मुरीद लोग वोट में परिवर्तित होगा? जब मुरीद ही है तो कुछ भी कर सकते हैं, ये तो हम बोल सकते हैं ना। हाँ। लेकिन आज के दौर में कोई किसी का मुरीद हो जाए कम बड़ी बात है। रिलीजियस तौर पे मुरीद हो सकते हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पे मुरीद है कि नहीं है वो तो वक्त बताता है ना। यानी 100 सीट पे चुनाव लड़ना है, दो धारी तलवार। बहुजन मुक्ति पार्टी से हैं भांजी भाई राठौर। कहाँ से हैं? गुजरात से। आप गुजरात से आए हैं और यहाँ बंगाल में चुनाव लड़ाएंगे, अपने पार्टी से कई कैंडिडेट खड़े करेंगे 100 के करीब, तो क्या होगा? ये सब कुछ बातचीत कर लिए हैं, बाकी मुद्दों पर भी बात किए हैं, प्रतिक्रिया क्या है आपकी इनकी बातों पर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय भीम, जय भारत।